गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक देखेंगे, झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास टॉपिक के का सब टॉपिक देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो झारखंड में राज्य गठन का कार्य सबसे पहले मुंडाओं ने ही किया। लिखते हैं हम लोग ब्रीफ में इसको। सबसे पहले राज्य गठन मुंडाओं ने किया, और जो मुंडा के जो पहले शासक थे रीसा मुंडा थे। मुंडा के पहले शासक रीसा मुंडा है। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। सूतिया पाहन और सूतिया पाहन ने सूतिया नागखंड की स्थापना की। क्लियर। और जो सबसे लास्ट रूलर रहे मुंडाओं के, दैट इज मद्रा मुंडा, ये अंतिम शासक थे। मद्रा मुंडा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडाओं के पहले शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। क्लियर। नाउ मद्रा मुंडा ने फनी मुकुट राय को छोटा नागपुर खास का शासक चुना। फनी मुकुट राय को जो कि कुछ स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग कहा जाता है फनी मुकुट राय मद्रा मुंडा के अडॉप्टेड सन थे। क्लियर। तो यहाँ से मद्रा मुंडा के बाद मुंडाओं का शासन ख़त्म होता है और फनी मुकुट राय यहाँ से नागवंशी छोटा नागपुर खास में शासन करना शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो हम लोग एज पर सिलेबस देखेंगे, पहला हम लोग का टॉपिक जो है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडाओं के बाद नागवंशी आए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नागवंशी शासन व्यवस्था। क्लियर। तो ये हमारा पहला सब टॉपिक है झारखंड इतिहास में। ना अब हम लोग देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ये जस्ट हमारे हमारा कनेक्टिविटी के लिए था इतना जो हम लोग अभी देखे, ताकि हम लोग झारखंड हिस्ट्री जो झारखंड का इतिहास है उससे मुंडा शासन व्यवस्था को कनेक्ट कर पाए। ना मुंडाओं का इनके मूल निवास स्थल को लेकर विद्वानों में कुछ डिस्प्यूट है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो मुंडा है ये भारत के साउथ वेस्ट से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए और बाद में झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है ये भारत के साउथ ईस्ट भाग से झारखंड में प्रवेश किए और यहाँ जो असुर पहले से झारखंड में रह रहे थे उनको पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किए। क्लियर। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। क्लियर। तो ये इनके मूल निवास स्थल को लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है स्कॉलर्स में। क्लियर। तो देखते हैं कुछ हम लोग फैक्ट्स। मुंडाओं की प्रजाति की बात करें तो ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये इनका प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। क्लियर। भाषा की बात करें मुंडारी। मुंडारी भाषा को मुंडा होड़ो जगर कहते हैं। क्लियर। मुंडारी भाषा की भाषा परिवार की बात करें
तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ये बिलोंग करता है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग इनके युवा गृह। गिति ओड़ा, इनके युवा गृह को गिति ओड़ा कहते हैं। नाउ इनके निवास स्थल की बात करें रांची, खूंटी, हजारीबाग, संथाल परगना, गिरिडीह, ये इनका कुछ निवास स्थल है। गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम भी में भी पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ जो हमारा मुंडा शासन व्यवस्था की बात है, हम लोग अब मेन बात देखते हैं हम लोगों का क्या यहाँ मेनली हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं खूट कट्टीदार सिस्टम, खूट कट्टीदार प्रशासनिक व्यवस्था। ना खूट कटीदार प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मतलब है? तो झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों को साफ सफाई जंगल को का साफ सफाई करने लगे और वहाँ जंगल के जमीन को कृषि कार्य करने योग्य बनाया और वहीं वो अपना निवास स्थल भी बनाए और यहाँ के स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। क्लियर? तो जो खूट कटीदार प्रशासनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। क्लियर? कोई एक आदमी उस जंगल और जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस जंगल और जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। क्लियर? कहने का मतलब है ये अगर कोई लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, जंगल, क्लियर, तो जो मुंडा परिवार मुंडा परिवार को यहाँ खूंट कहा गया, जो मुंडा परिवार इस जंगल को साफ सफाई किए और यहाँ के जमीन को कृषि योग्य बनाया और यहाँ बसने लगे, यहाँ अपना घर बसाया और जब ये उस मुंडा परिवार को खूंट कहते हैं। मीन्स खूंट मतलब होता है परिवार, वैसा परिवार
मुंडाओं में उस परिवार को कहते हैं जिन्होंने जंगल को साफ कर खेती खेती योग्य जमीन बनाया, क्लियर, और वहाँ गांव बसाया, क्लियर। तो एक ये खूंट है, ये खूंट यहाँ बस गया, यहाँ कृषि योग्य भूमि बनाया, यहाँ कल्टीवेशन करने लगे। तो और इसका जब पॉपुलेशन बढ़ा तो एक परिवार से दो तीन चार और धीरे धीरे अनेक परिवार हुए और अनेक परिवार मिलके एक विलेज बनाए, गांव ना। अब इस गांव का पॉपुलेशन बढ़ा तो ये दूसरा गांव बनाया, क्लियर, वैसे ही तीसरा गांव बना, चौथा गांव बना, क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं एक परिवार से ये गांव बन रहा है और एक गांव से दूसरा गांव बन रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसके जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो एक ही गोत्र के होंगे, क्योंकि ये एक ही परिवार के पॉपुलेशन के बढ़ने से ये गांव बढ़ा और एक गांव से दूसरा गांव बना, एक परिवार से दूसरा परिवार बना, क्लियर। तो इसको कहते हैं खूंट, एक जिस परिवार ने इस जंगल को साफ सफाई किया उसको खूंट कहें, और उस खूंट के जो मुखिया है उसको खूंट कट्टीदार कहें, या फिर इस खूंट के वंशज को खूंट कट्टीदार कहें। अगर ये है तो इसको खूंट कट्टीदार कहेंगे, या फिर इसके वंशज को भी खूंट कट्टीदार कहेंगे, क्लियर ना। अब ये बहुत सारे गांव मिलकर एक पट्टी का निर्माण करता है, क्लियर, और कुछ पट्टी मिलकर पढ़ा का निर्माण करता है। और जहाँ जहाँ जिस मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी नहीं होता है वहाँ मिलेगा आपको, ये गांव मिलकर आपका पढ़ा का निर्माण किया, कुछ गांव मिलकर पढ़ा का निर्माण किया। और इस पढ़ा का, जैसे गांव का अपना एक गांव ग्राम पंचायत हुआ, गांव का अपना एक पंचायत होता है, हर डिस्प्यूट सॉल्व होता है, लड़ाई झगड़ा सॉल्व होता है, गांव के अंदर का जितना भी मैटर है वो सारा गांव का पंचायत सॉल्व करता है। वैसे ही जब ये गांव के दो गांव के बीच का कुछ मैटर होता है, डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो गांव एक गांव के बीच का मैटर नहीं होता है, ये दो गांव के बीच का मैटर होता है। तब इस गांव के जो कुछ गांवों को मिलकर एक पढ़ा बनाया गया है, और पढ़ा का अपना एक पंचायत होता है, पढ़ा पंचायत, क्लियर। तो वो मैटर पढ़ा पंचायत में जाता है, दो गांव के बीच के बीच का मैटर पढ़ा पंचायत में जाता है, क्लियर। तो पढ़ा का भी अपना मुखिया होता है जिसको पढ़ा राजा कहते हैं, क्लियर। पढ़ा पंचायत में कुछ सदस्य होते हैं, क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स हैं खूंट कट्टीदार प्रशासनिक व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था से जो हमें समझना है, क्लियर, हमें ध्यान रखना है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में बेसिकली इतनी ही बात है हमें समझना है, खूंट, खूंट कट्टीदार किसे कहते हैं, खूंट किसे कहते हैं, खूंट कट्टीदार गांव किसे कहते हैं, तो खूंट कट्टीदार सॉरी खूंट कट्टी गांव किसको कहते हैं, तो खूंट कट्टीदार द्वारा बसाए गए गांव को खूंट कट्टी गांव कहते हैं। खूंट कट्टी खेत किसको कहते हैं, तो खूंट कट्टीदार द्वारा बनाए गए खेत को खूंट कट्टीदार खेत कहते हैं, क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स है, बस हमारे मुंडा शासन व्यवस्था में ये कुछ टर्म्स देख लेना है, ध्यान में रखना है। कन्फ्यूज़न तब होता है जब हम लोग सारा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, पढ़ा पंचायत ढोकलो सोहोर, तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, हर में एक ही टर्म रहेगा, आप थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा मान की पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था भी कहते हैं। नौ, आगे देखते हैं हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ टर्म्स समझते हैं, क्लियर। पहला टर्म है खूंट। खूंट मतलब होता है परिवार, अभी हम लोग बात किए,
जिस मुंडा परिवार के लोगों ने जंगल को साफ किया उसको खुट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टर्म है खुट कट्टीदार। खुट कट्टीदार हुए जिस मुंडा परिवार ने जंगल को साफ किया, या जंगल साफ कर खेत बनाने वाले वाला मुंडा। करने वाले मुंडा। तीसरा टर्म हो गया खूंट कट्टी खेत। खुटकट्टी खेत हो गया, खुटकट्टी दार द्वारा बनाया गया खेत। क्लियर। चौथा हो गया खुटकट्टी गांव। खुटकट्टीदार द्वारा बसाया गया गांव। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स हो गए खुटकट्टी प्रशासनिक व्यवस्था से। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग ना। अब ये जो हम लोग लिखे हैं इसको कि मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अगर देखें तो ये चार स्तरीय शासन व्यवस्था हो गया। एक मुंडा स्तर का, मानकी स्तर का, पढ़ा स्तर का, सरदार स्तर का। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग मुंडा स्तर का देखते हैं। मुंडा स्तर का मतलब हो गया गांव स्तर। फर्स्ट हम लोग देखते हैं गांव। क्लियर। तो ग्राम स्तर में पहला हो गया गांव का प्रमुख। गांव के प्रमुख को मुंडा कहते हैं। दूसरा हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को मुंडाओं में हातू कहा जाता है। तीसरा हो गया ग्राम पंचायत प्रमुख। ग्राम पंचायत प्रमुख को हातू मुंडा कहा जाता है। क्लियर। रिलीजियस हेड, धार्मिक प्रधान। हम लोग यहाँ शासन व्यवस्था देख रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ धार्मिक प्रधान लिख रहे हैं। धार्मिक प्रधान भी शासन व्यवस्था का, मुंडा शासन व्यवस्था का पार्ट है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो धार्मिक प्रधान ही सॉल्व करते हैं। इसलिए हम लोग धार्मिक प्रधान, धार्मिक मुखिया जो होगा वो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में ही लिखेंगे। क्लियर।
फोर्थ टर्म हो गया ग्रामीण स्तर में, गांव स्तर में धार्मिक प्रधान। पाहन, फिफ्थ हो गया पाहन का सहायक। पुजार या पनभरा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पट्टी। अभी हम लोग बात किए थे कुछ गांव जब मिलते हैं तो पट्टी का निर्माण होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट स्तर जो है दैट इज पट्टी। पट्टी का निर्माण करते हैं। पट्टी के जो प्रमुख होते हैं प्रमुख या प्रधान, उसको मानकी कहा जाता है। तो थर्ड स्तर जो है, थर्ड स्टेज जो है मुंडा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में, दैट इज पढ़ा। पढ़ा में हमें दो टर्म मिलेगा। पहला मिलेगा कुछ पट्टी के मिलने से पढ़ा का निर्माण होता है। या फिर कुछ पट्टी मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं। दूसरा टर्म मिलेगा कुछ गांव मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी बुक में कुछ गांव मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं मिलेगा। कुछ गांव मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं, क्लियर। पढ़ा प्रमुख, पढ़ा प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, क्लियर। नाउ पढ़ा राजा के सहयोगी, इनके कुछ पांच सहयोगी होते हैं। पहला दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा कर्ता, चौथा लाल, क्लियर, पांचवा पांडे। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, दीवान, ठाकुर, कर्ता, लाल और पांडे पढ़ा राजा के सहयोगी होते हैं। ये जो देखते हैं हम लोग, जो मानकी का पद होता है वो वंशानुगत होता है। ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। ये सारे पद भी वंशानुगत होते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग।
ये जो पढ़ा राजा की ये पढ़ा के जो सहयोगी है, ये पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, राजा को सलाह देते हैं। क्लियर। पढ़ा राजा का जो चयन होता है, मनोनयन होता है, वो चुनाव के द्वारा होता है। यह पद वंशानुगत नहीं है पढ़ा राजा का। आगे देखते हैं। पढ़ा प्रमुख, पढ़ा राजा। पढ़ा राजा को का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। इसी वजह से मुंडा मान की पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्लियर। भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। सॉरी। क्लियर। का उदाहरण है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते हैं, मीन्स एक ही गोत्र के सदस्य होते हैं। क्लियर। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व नहीं प्राप्त होता है। मानकी और पढ़ा राजा कोई राजस्व क्लियर। तो ये हो गया पढ़ा स्तर का। नेक्स्ट हो गया राज्य। कुछ पढ़ा मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं, पढ़ा मिलकर राज्य बनता है, और राज्य का जो प्रमुख होता है उसको राजा या सरदार कहते हैं।
तो ये हो गया मुंडा शासन व्यवस्था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।